आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम अपने लीनियर के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर रहे थे, तो आज कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखते हैं वेक्टर स्पेसेस के। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ। अगर मैंने वी डिफाइन करा है सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस सच दैट हुज एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, हुज एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, और जो एफ है ना मेरी जो फील्ड है वो मैं कैसे लेके चल रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हुज ऑल एंट्रीज आर सेम एंड एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर। ये भी मेरा सेट है, ये एफ मेरा है, और एफ के जो एफ है ना वो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जो ये प्लस आपका डिफाइन है ये क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और जो ये आपका मल्टीप्लीकेशन है ये क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और वी अगर मैंने वी डिफाइन करा है तो मेरे को इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो मैं देखिए कैसे डिफाइन करता हूँ। अगर कोई भी यहाँ के दो मेंबर है, मान लीजिए ए, या फिर डायरेक्टली स्टार लेके चलता हूँ, अगर मैं इसका स्टार डिफाइन करा, यानी कि जो पहला वाला ऑपरेशन है यानी कि इंटरनल कंपोजिशन, तो स्टार क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और हैश मैंने कैसे डिफाइन करा हुआ है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो जो यहाँ पर प्लस है वो स्टार जैसा ही काम करेगा, और जो यहाँ डॉट है वो हैश, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। तो अब मेरे को वेरीफाई करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो वेक्टर स्पेस के लिए मेरे पास सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो वी विद स्टार, तो स्टार की जगह मैं सिंपली यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। तो वी प्लस इस अबेलियन ग्रुप, इस अबेलियन ग्रुप, तो क्या V प्लस अबेलियन ग्रुप बनाएगा, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, अंडर एडिशन ये हमेशा ग्रुप बनाता है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपका ये भी होगा ये आपका अबेलियन भी होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होता है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू v, जो वहां पे मैं u और v लेके चल रहा था, यहां a और b लेके चल रहा हूं क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। अल्फा बीटा यहाँ स्केलर कैसे होंगे, इस टाइप के स्केलर्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अल्फा हैश ए स्टार बी शुड बी सेम एज अल्फा हैश ए स्टार अल्फा हैश बी। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी एंट्री सेम होगी। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्फा प्लस बीटा, ये फील्ड वाला ही एडिशन है, हैश मैट्रिक्स ए, ये आपको क्या आना चाहिए, अल्फा हैश ए स्टार बीटा हैश ए। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है तो फील्ड क्रॉस वेक्टर स्पेस टू वी डिफाइन होता है। तो जो आपका अल्फा प्लस बीटा है ये फील्ड का एलिमेंट आएगा, फिर इसके बाद ए पे ऑपरेट करोगे तो ये वेक्टर का एलिमेंट है, तो ये पूरा पूरा वेक्टर का एलिमेंट आना चाहिए। और अलग अलग आप अगर अल्फा के साथ ये ऑपरेट करना है तो आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन यूज करना पड़ेगा, और ये भी आपका वेक्टर का एलिमेंट आएगा, ये भी वेक्टर का एलिमेंट आएगा, और दो वेक्टर को एलिमेंट को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनल कंपोजिशन। ये प्रॉपर्टी भी, एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है अल्फा डॉट बीटा हैश ए, ये कैसी होनी चाहिए, अल्फा हैश ए स्टार बीटा हैश ए, ये इस टाइप से आना चाहिए। तो जब आप ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये तीनों प्रॉपर्टी इजीली वेरीफाई हो रही होंगी, ये भी वेरीफाई होगी, ये भी वेरीफाई होगी, ये आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि 1f डॉट a, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और यहाँ पे 1f क्या होता है, 1f इज यूनिटी ऑफ फील्ड, यूनिटी ऑफ फील्ड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो f होता है ये अपने आप में एक फील्ड बनाता है, तो इसकी यूनिटी क्या होगी। तो सबसे पहले वही यूनिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, मैं किस एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करूंगी, मेरे पास यही एलिमेंट आ जाए। तो अगर मैं ए ए ए ए इसको मैं 1/2 के साथ ऑपरेट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 1/2a + 1/2a विच इज सेम एज ए, ये वाला भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड की यूनिटी हो जाएगी, फील्ड की यूनिटी हो जाएगी।
तो अब मैं इसको ए पे ऑपरेट करा के देखता हूँ क्या मेरे पास सेम ए आएगा। तो ये कितना है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और ऑपरेट कर रहा है ए के साथ में। ए कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो ए बी सी डी टाइप का एलिमेंट कुछ ना कुछ मैट्रिक्स होगा, तो क्या ये इक्वल टू ए आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ए बाई टू प्लस सी बाई टू आएगा, यानी कि ए प्लस सी बाई टू। और सेकेंड तरफ आप ऑपरेट करेंगे तो बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। नीचे ऑपरेट करेंगे तो ए प्लस सी बाई टू, और इधर जब आएंगे तो बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। तो क्या ये ए के इक्वल है, कभी नहीं है, ये ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी 1.u = u वाली प्रॉपर्टी है वो फेल कर रही है, ये प्रॉपर्टी आपकी फेल कर रही है। और इजीली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप वेक्टर स्पेस चेक कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करो, सबसे पहले आप ये देखो कि जीरो एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जीरो एलिमेंट क्या होता है, वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो फर्स्ट वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आना जरूरी है, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप होता है तो आइडेंटिटी तो होगी होगी। उसके बाद आप वेरीफाई करो कि क्या 1f.a इज सेम एज आ रहा है, यानी यूनिटी इनटू ए एलिमेंट क्या ए के इक्वल आ रहा है। आप वो वेरीफाई करोगे ना तो ज्यादातर मिस्टेक्स आपको इसी में मिलेगी, तो आपका जो डिस्कार्ड हो रहा होगा ना वो इन्हीं ऑप्शन से डिस्कार्ड हो रहा होगा। तो ये 1f.a इज सेम इज नॉट इज सेम एज ए, तो ये प्रॉपर्टी फेल कर रही है। तो यानी कि v ओवर f इज नॉट एन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो यहां पे ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ऐसे कुछ और अच्छे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, v को मैंने कैसे डिफाइन करा है, v इज सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम r टू r, फ्रॉम r टू r, और इसके साथ एक प्रॉपर्टी लगा दी है कि जो f ऑफ a ऑफ x है ना वो क्या है, a प्लस x है, वो क्या है, a प्लस x है। तो ये तो मेरा v हो गया। अब फील्ड भी लेनी पड़ेगी मेरे को, तो मैं फील्ड को क्या मान के चला हूँ, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब मेरे को क्या डिफाइन करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो मैं स्टार को भी देखो कैसे डिफाइन करता हूँ, स्टार मैंने डिफाइन करा है, अगर स्टार डिफाइन कर रहा होता है तो दो मेरे को वेक्टर के एलिमेंट चाहिए होते हैं, यानी कि स्टार कहाँ से डिफाइन करता है, v क्रॉस v टू v। तो वेक्टर किस टाइप के होंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन टाइप के होंगे। तो एक ये फंक्शन मान लेता हूँ और एक f ऑफ b मान लेता हूँ। तो ये कैसे डिफाइन करा है मैंने, सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन आपको डिफाइन करना आता है। जो हैश होगा वो कैसे डिफाइन होगा, f क्रॉस p टू v। तो f में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, स्केलर टाइप के एलिमेंट आएंगे। इसको मेरे को ऑपरेट करना है वेक्टर के साथ में, यानी कि किसी फंक्शंस के साथ में। तो ये मैंने कैसे ऑपरेट करा है, f अल्फा डॉट a, अल्फा डॉट a। तो अब आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। वही सेम वेक्टर स्पेस के लिए मेरी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नंबर वन प्रॉपर्टी जो v होता है वो इंटरनल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। तो इंटरनल कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, अल्फा स्टार है, और स्टार को मैं क्या कंपोजिशन में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ए स्टार एफ बी सेम एज एफ ए ओ एफ बी, यानी कि कंपोजिशन ये इसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इस अबेलियन ग्रुप। तो आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली, इसको आप वेरीफाई करना, ये अपने आप में अबेलियन ग्रुप बनेगा, और जो बाकी की प्रॉपर्टीज भी है ना वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो ये पहले वाले के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग चार प्रॉपर्टियां वो प्रॉपर्टी भी इस पर होल्ड हो रही होगी, तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो v ओवर f है ना इज अ वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस बन जाता है, बट लास्ट वाले केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा था। इसको आप प्लीज वेरीफाई जरूर करना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा टाइप का एग्जांपल। एक मैंने v डिफाइन करा है x comma y such that x y is greater than or equal to 0, यानी कि वो टपल आ रहे हैं इसमें x value is greater than equal to 0 है ना। तो इसमें देखिए स्टार कैसे डिफाइन करा गया है, स्टार कैसे होगा, v क्रॉस v टू v, यानी कोई भी जो v के एलिमेंट होंगे वो टू टपल टाइप में होंगे। तो x1 comma y1 star x2 comma y2
ये कैसे डिफाइन करा मैंने, सिंपल एडिशन करके x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ये क्या है आपका कंपोनेंट वाइज एडिशन, ये क्या है कंपोनेंट वाइज एडिशन। अब मेरे को हैश डिफाइन करने के पहले फील्ड चाहिए, तो मैं फील्ड क्या मान के चल रहा हूँ अपनी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा फील्ड बनाता है। तो अब देखिए मैं स्टार के हैश कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, हैश मैंने डिफाइन करा है f क्रॉस v2v। तो एक एलिमेंट मेरे को फील का लेना पड़ेगा, फिर हैश ऑपरेट करना पड़ेगा किस पर, टू टपल पर। तो x1, y1 इसको मैंने कैसे डिफाइन करा है, सिंपल अल्फा x1 कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कॉमा अल्फा y1। ठीक है, या आप यहाँ से x और y1 और मतलब 1 हटा भी सकते हैं, सिंपल x कॉमा y भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे डिफाइन है, अल्फा हैश x कॉमा y इज सेम एज अल्फा x कॉमा अल्फा y। तो अब आपको क्या वेरीफाई करना है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए वही सेम प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि जो आपने ये डिफाइन करा है ना, दिस शुड बी अ फंक्शन और इसको भी क्या होना पड़ेगा, फंक्शन होना पड़ेगा। तो अब इसको वेरीफाई करो कि जो स्टार डिफाइन है क्या ये फंक्शन है, यानी कि जब मैं वी क्रॉस वी के एलिमेंट ले रहा हूँ तो हमेशा वी के एलिमेंट आएंगे। तो आप वी के कोई भी दो एलिमेंट ऐसे उठाइए जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो, पर दोनों को ऑपरेट कराने के बाद वी का एलिमेंट ना आए, तो ऐसा एलिमेंट आप सोच सकते हो, ऐसा एलिमेंट सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक यू एलिमेंट लेता हूँ जिसका वी का, वो मेरे को कैसा लेना है, वो टपल लेना है जिनके लिए उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मैंने 1, 2 लिया है तो ये वी का मेंबर होगा, होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है, तो ये तो इसमें आएगा। एक वी एलिमेंट लिया है माइनस टू कॉमा वन, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो -2 आएगा, तो इसमें नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ -1 कर दूँ तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -2 × -1 विच इज 2, तो ये भी वी का एलिमेंट बन जाएगा। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि जो यू स्टार वी है वो क्या वी का एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आपने डिफाइन करा है स्टार क्या है, वी क्रॉस वी से वी पर फंक्शन है। तो क्या यू स्टार वी कैपिटल वी का मेंबर आएगा, तो यू स्टार वी डिफाइन कैसे है, x1, y1 * x2, y2 सिंपल कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो ये कैसे डिफाइन है, 1, 2 * -2, -1 विच इज सेम एज 1 - 2, क्योंकि कंपोनेंट वाइज एडिशन है। तो 1 - 2, 2 - 1 ये आपके कितना आ जाएगा, -1, 1। तो क्या ये वी का मेंबर है, वी में कौन से मेंबर आ रहे हैं जिनके लिए जो टपल आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, तो ये वी का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो वी क्रॉस वी से आपने वी पे फंक्शन डिफाइन करा है जिसका आपने नाम क्या दिया है, इंटरनल कंपोजिशन दिया है, ये आपका डिफाइन नहीं है, इंटरनल कंपोजिशन इज नॉट डिफाइन। तो जब आपका इंटरनल कंपोजिशन ही डिफाइन नहीं है तो आप वेक्टर स्पेस की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीका है जहां से आप वेक्टर स्पेस को, अगर वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है तो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब आइए अब कुछ और अच्छे अच्छे तरीके देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने बढ़िया से बढ़िया। अब बात करते हैं कि आप लोग वेक्टर स्पेस कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बनाने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एक सिंपल सा वेक्टर स्पेस बताओ, तो बस आपको उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, फील्ड मालूम होना चाहिए और सब फील्ड मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ सब फील्ड, जैसे जैसे नए टर्म आते जाएंगे मैं आपके सामने उसको इंट्रोड्यूस करता रहूँगा और धीरे धीरे करके उनको मिला करके चीज़ें आगे बढ़ाते जाएंगे। लेट एफ बी, या फिर ऐसे कर लीजिए एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड, then f dash is called subfield of capital F if f dash should be subset of capital F, f dash should be subset of capital F and f dash is a field in itself with same binary operation as field F. अब देखिए इसका मतलब क्या है? That F plus dot be any field, then F dash is called subfield of F
if f dash is a subset of f and f dash is a field in itself with same binary operation as field f, यानी कि आपके पास कोई भी field f है, तो आप उसका एक कोई भी subset ले रहे हैं, और subset भी कैसे ले रहे हैं, जो अपने आप में field बना रहा है, अपने आप में field बना रहा है, और उसके भी binary operation field के binary operation वाले ही हैं, तो जो आपका f dash है ना, आप उसको subfield बोलते हो, आप उसको subfield बोलते हो, तो ये तो था subfield concept। अब एक बहुत important note देखते हैं, जो आपको vector space बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। Every field is a vector space over its subfield. Every field is a vector space over its subfield. तो अगर आपके पास कोई भी vector space है और उसकी subfield है, तो आप वहां से उसके example construct कर सकते हैं। But converse is not true. In general, converse is not true in general. Converse का मतलब क्या है कि अगर आपका f dash है ना, वो subfield नहीं है, तो क्या वो कभी vector space भी नहीं होगा? क्या वो vector space भी नहीं होगा? तो converse के लिए मैंने आपको कल एक example बताया था, जहाँ पे जो आपका v है, वो मैंने किसके बराबर था? R plus dot star करके जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन था या इंटरनल कंपोजिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, और f मैंने क्या डिफाइन करा था? r plus dot। तो यहां पे जो f है ना, वो वेक्टर स्पेस की सबफील्ड नहीं है, बट फिर भी ये v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस मैंने डिफाइन करा था। ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर जरूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो जो फील्ड है ना, वो इसकी सबफील्ड या फिर कोई सबसेट होगा। तो यहां पर इसका जो f है ना, वो v का सबसेट नहीं है, जबकि v f का सबसेट बन रहा है, और ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी बनाता है। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। अब इसका यूज करके ना कुछ एग्जांपल बनाते हैं अपने फील्ड के। ये फील्ड आप कभी भी बना सकते हैं, सिंपली आपके पास कुछ फील्ड होनी चाहिए, तो कोई सी भी फील्ड ले लो, r ले लो, c ले लो, ठीक है, c भी आपके पास सब फील्ड मालूम होनी चाहिए, यानी कि इसके सबसेट आपको पता होने चाहिए, और वो भी अपने आप में फील्ड बनाए, वो भी अपने आप में फील्ड बनाए। सबसे ज्यादा सिंपल c ओवर c, क्योंकि एवरी फील्ड इज अ सबफील्ड ऑफ इटसेल्फ, तो कैपिटल c इसकी भी सबफील्ड होगी। या दूसरा आप क्या बना सकते हैं? c ओवर r बना सकते हैं, ऐसे करके c ओवर q बना सकते हैं, c ओवर q रूट p बना सकते हैं। तो यहां पे जो ऑपरेशन है ना, वो सबके साथ में क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आप यहां पे जनरेट कर सकते हो। R over R बना सकते हो, R2 over R बना सकते हो, R2 over R बना सकते हो, या in general Rn over R बना सकते हो, R over Q बना सकते हो, R over Q root P बना सकते हो। Q root P मैंने आपको कल बताया था कि define कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर Q over Q बना सकते हो, Q root 2 over Q बना सकते हो, q q ओवर रूट 2। क्या ये फील्ड बनेगा? ये फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहां की जो एलिमेंट है ना, ये आप ये कह सकते हो कि जब आप इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करोगे, ये फील्ड नहीं बनाएगा। तो इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? q ओवर रूट 2 के सम a प्लस b रूट 2, a एंड b आर कमिंग फ्रॉम इंटीजर्स, इस टाइप के एलिमेंट इसमें आते हैं, तो इंटीजर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आप क्या कीजिए ना, जो रूट टू होगा वो क्यू रूट टू से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, कि आप ए है जीरो ले लो और बी की वैल्यू वन ले लो, तो ये इसका एलिमेंट आएगा। और क्यूब में से कोई एक एलिमेंट ले लो जो वन ले लिया आपने, तो वन तो बिलोंग करेगा क्यूब में से, क्योंकि वन तो इसकी यूनिटी ही है। तो वन डॉट रूट टू जो है ना, यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन है, वो आपका ना मेंबर आना चाहिए वेक्टर स्पेस का। बट रूट टू इज नॉट एन रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये जो ये है ना, इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाता है, तो दिस इज नॉट अ फील्ड, या फिर दिस इज सॉरी दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तो इस टाइप से अगर आपको फील्ड नोन है, तो आप उसके हमेशा वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सबस्पेस का।
सबस्पेस वेरीफाई करने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या जेम का एग्जाम हो। एनवीएचएम वाले इसको प्रीफर नहीं करते, वो डायरेक्ट सबस्पेस नहीं पूछते, बल्कि वो सबस्पेस की प्रॉपर्टीज पूछते हैं, या तो इसकी बेसिस या डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं या स्पैनिंग सेट, बट वो डायरेक्टली सबस्पेस वेरीफाई नहीं कराते। तो जहाँ पे भी ये सब वर्ड लग जाए ना, वहाँ पे आपको हमेशा एक ही तरीके से डिफाइन करना है। लेट वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सबसे पहले तो वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। लेट डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ वी, लेट डब्ल्यू बी एनी सबसेट ऑफ वी सच दैट डब्ल्यू ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। जो भी आप सबसेट ले रहे हो ना, वो अपने आप में क्या बनना चाहिए, सबस्पेस बनना चाहिए, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनना चाहिए, और जो फील्ड है ना वो सेम होनी चाहिए विद द सेम फील्ड एज वी ओवर एफ। यानी कि अगर आप कोई भी वेक्टर स्पेस ले रहे हो, तो अगर आपको उसके सबस्पेस बनाने हैं, अगर आपको उसके सबस्पेस बनाने हैं, तो वो उसका एक सबसेट होना चाहिए और अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए, और जो फील्ड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तब वो जाके वेक्टर स्पेस और जो डब्ल्यू आप चूज करते हो वो उसका सबस्पेस बन जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी डिफाइन कर रहा हूँ कैसे करके, एक्स को मैं वाई टपल ले रहा हूँ सच दैट एक्स एंड वाई आर कमिंग फ्रॉम आर, यानी कि जो आपकी फील्ड है वो मैं आपकी आर लेके चल रहा हूँ, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, और जो स्टार है ना वो भी मेरा कैसा है, सिंपल एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन, और जब इसमें टपल आ रहे हैं तो ये कैसा होगा, कंपोनेंट वाइज होगा, ये कंपोनेंट वाइज होगा और ये भी कंपोनेंट वाइज होगा। अब देखते हैं कि जो वी एक्स कॉमा वाई है मैंने ऐसा क्यों बनाया है, इसको आप पूरा x लाइन x एक्सिस बोल सकते हैं, इसको आप पूरा y एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। जो ये v है ना, ये पूरा का पूरा r स्क्वायर ही तो है, r स्क्वायर प्लेन ही तो है, ये r होगा सिंपल, अगर इसमें एक और r बना दो इस टाइप से तो ये मेरा r स्क्वायर प्लेन बन जाता है, तो ये r स्क्वायर ही है। फील्ड में क्या लेके चल रहा हूँ, r लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा वही सेम प्रॉपर्टी से। अब देखते हैं कि इसके सब स्पेस हम कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रिवियल सब स्पेस होंगे, जो वी है वो तो वी का सबसेट होगा ही होगा, तो वी और जीरो, वी और जीरो ये तो ट्रिवियल सब स्पेस होंगे, क्योंकि जीरो अपने आप में अभिलेख ग्रुप भी बनाएगा और साथ के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी होल्ड करेगा ही करेगा जीरो, ठीक है। तो जो वी है और ये जीरो है, ये आपके रेडीमेड सब स्पेस है, वी एंड जीरो आर रेडीमेड सब स्पेस, तो आपको इनमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको हर वेक्टर स्पेस के साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं जो इनके नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस हैं। अगर आप इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, तो इस लाइन को अलग कर लो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे आप, फर्स्ट में तो एक्स आएगा, लेकिन दूसरी वाली को आपने हटा दिया, तो एक्स कॉमा जीरो सच दैट एक्स इज कमिंग फ्रॉम रियल एंट्री। तो ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इसका सबसेट भी बनेगा और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये अपने आप में सब स्पेस भी बनेगा, ये अपने आप में सब स्पेस भी बनेगा। ऐसे ही अगर आप एक डब्ल्यू वन डिफाइन करोगे, उसमें आप क्या ले सकते हो, जीरो कॉमा वाई ले सकते हो, एक्स कॉमा टू आर, यानी कि अब आपने ये वाली लाइन सेलेक्ट कर रही है, तो इसमें आपने क्या करा है, जो एक्स वाली एंट्रीज है उसको जीरो कर दिया और रिमेनिंग को आपने वेरिएबल में रख दिया, ये भी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और अपने आप में वेक्टर स्पेस भी बनाएगा, इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो w and w2 बोथ आर, w कॉमा w1 बोथ आर सब स्पेस ऑफ v। जो ये नोटेशन है ना, ये मैं ग्रुप थ्योरी में यूज करूंगा सब ग्रुप के लिए और वेक्टर स्पेस में यूज करूंगा सब स्पेस के लिए, ठीक है। तो w और w1 दोनों ही इसके सब स्पेस बनेंगे। ऐसे ही आप इसमें और भी बना सकते हो, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन क्या होगी आपकी, अगर आपको इसको आर इसका मेंबर बनाना है वी का, तो इसमें वही तो आ रहे हैं, जब आप x ले रहे हो तो उसकी इमेज भी आपको x ही मिल रही है, उसकी इमेज भी आपको x ही मिल रही है। तो यहाँ पे w2 डिफाइन कर दो, x कॉमा x सच दैट x इज कमिंग फ्रॉम r, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ये इसका सबसेट है y की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो ये सबसेट बनेगा।
और अपने आप में वेक्टर स्पेस भी बनेगा, वेरीफाई कर सकते हो। तो डब्ल्यू टू भी क्या है, एक्स का सब स्पेस है। ऐसे करके आप हमेशा सब स्पेस बना सकते हो। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालू, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालू तो क्या ये एक सब स्पेस बनेगा, क्या ये सब स्पेस बनेगा? तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप खुद बताओ क्या ये सब स्पेस बनेगा। सब स्पेस बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि जीरो एलिमेंट उसके होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वी जो फर्स्ट इंटरनल कंपोजिशन होता है उसके रिस्पेक्ट में अभिलेख ग्रुप बनाता है। अगर ग्रुप बनाएगा तो आइडेंटिटी भी होगी। यहाँ पे हम स्टार को कैसे प्लस लेके चल रहे हैं, तो प्लस के रिस्पेक्ट में इसकी जो जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो होगा, और जीरो कॉमा जीरो आपका यहाँ पे लाइन करता है। तो आप जो भी लाइन लोगे उसके अंदर ये पॉइंट तो आना ही चाहिए, तो इसके अंदर तो यही पॉइंट नहीं आ रहा, तो जो ये आपका है ना ये ग्रुप ही नहीं बनाएगा। अगर ग्रुप नहीं बनाएगा तो आप सब स्पेस की बात नहीं करेंगे, तो ये इसका सब स्पेस कभी नहीं बनेगा। या फिर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है वो अपने आप में वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, तो इस वाले स्पेस का सब स्पेस कभी नहीं बनेगा। तो ये एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो आर क्यूब ओवर आर में ले जा करके। और कुछ बेसिक तरीके बताता हूँ जहां से आप सब स्पेस को जनरेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वेक्टर स्पेस में बताया। लेट V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, लेट V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, देन कंडीशन ऑन W ओवर F डैश टू बी अ सब स्पेस ऑफ V over F, sorry, subspace of V over F. तो अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है V over F is a vector space, then condition on W over F dash to be a subspace of V over F. तो इस notation का meaning क्या है? सबसे पहले तो इस notation का meaning, यानी कि यहाँ पे W अपने आप में क्या है? एक vector space बना रहा है, क्योंकि W over F dash मैंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? W over F dash is a vector space in itself. यानी कि अब आपको W को पर्टिकुलरली वेक्टर स्पेस चेक करने की कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे W हमेशा ही एक वेक्टर स्पेस है। तो अब आपको क्या देखना है कि क्या W ओवर F डैश हमेशा इसका सबसेट होगा या कब कब होगा। तो नंबर वन कंडीशन, W शुड बी अ सबसेट ऑफ V, W शुड बी अ सबसेट ऑफ V। मैंने क्या बताया था कि जो W है वो हमेशा V का सबसेट होना चाहिए। और नंबर दूसरी कंडीशन क्या है कि F डैश शुड बी सेम एज F, यानी कि जो इनकी फील्ड है ना वो हमेशा सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम सब स्पेस का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। डब्ल्यू अपने आप में तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा लेकिन वी का सब स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि फील्ड अगर अलग अलग हो गई तो वो कभी भी इसका सब स्पेस नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था सब स्पेस में कि ये तो वो सब स्पेस वेक्टर स्पेस होना चाहिए और फील्ड शुड बी सेम, तो फील्ड सेम होनी चाहिए और डब्ल्यू शुड बी अ सबसेट ऑफ वी। तो अब इसके एग्जांपल देते हैं, यहाँ से आप इजीली कितने भी एग्जांपल कंसेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं बी डिफाइन कर रहा हूँ सी ओवर आर, तो आप इसमें डब्ल्यू क्या क्या बना सकते हैं, और डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ डब्ल्यू लिखता हूँ, आप मेरे को बताना कि ये वेक्टर स्पेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर मैंने लिखा है सी ओवर क्यू डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू मैं लिखता हूँ सी ओवर क्यू रूट टू, W3 डिफाइन करता हूँ R ओवर R, W4 डिफाइन करता हूँ R ओवर Q। तो इसमें से कौन कौन से V के सब स्पेस बनेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, सिंपल W शुड बी अ सबसेट ऑफ V, तो C इज अ सबसेट ऑफ C, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी, फील्ड शुड बी सेम, हियर फील्ड इज रियल नंबर बट हियर फील्ड इज रैशनल नंबर, तो R इज नॉट इक्वल टू Q, then this is not a subspace of V, but ये अपने आप में सब वेक्टर स्पेस बनाएगा बट इसके रिस्पेक्ट में सबस्पेस नहीं बनेगा। W2 पे आते हैं, W2 में भी सेम कॉन्सेप्ट, फील्ड शुड बी सेम बट हियर फील्ड इज नॉट सेम, then this is not a vector space. W3 पे बात करते हैं, W3 में जो कैपिटल R है या फिर रियल लाइन है वो कैपिटल C या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसेट है, बिल्कुल है, और फील्ड भी इधर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा इसका C ओवर R का। W4 पे आते हैं, W4 में फील्ड में बात करते हैं,
here field is real number and here field is rational number. So field are different. This implies not a subspace, not a subspace, but a vector space in itself. तो याद रखिएगा ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बन रहा है बट ये वी का सब स्पेस नहीं बन रहा क्योंकि सब स्पेस के लिए ये दोनों मेरी प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होनी चाहिए. डब्ल्यू सबसेट होना चाहिए वी का और एफ डैश शुड बी सेम एज एफ. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जहाँ से आप सब स्पेस को हमेशा कंस्ट्रक्ट कर पाओगे. ठीक है, अब जब भी हम लोगों को वेक्टर स्पेस में सब स्पेस डिफाइन करना होगा या सब स्पेस वेरीफाई करना होगा तो हम लोग उसको बार बार तो पूरा वेक्टर स्पेस चेक करेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है. तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. उस प्रॉपर्टी का नाम है वन स्टेप टेस्ट फॉर सब स्पेस. यानी अगर आपको सब स्पेस वेरीफाई करना है ना तो आप सिंपल एक वन स्टेप टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये कैसा है, लेट V over F is a vector space and W be a non-empty subset of V. यहाँ पे W क्या है? एक non-empty subset of V है. Then W is a subspace of V if number one for all u comma v belongs to capital W. यानी कि अगर W के आप कोई भी दो एलिमेंट होगे ना तो आपका इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए. तो इंटरनल कंपोजिशन का मतलब क्या है, u plus v मेंबर होना चाहिए आपके W के. तो ये आपका इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन हो गया. यहीं से आप इसको ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो इस प्रॉपर्टी से अपने आप ही होल्ड हो जाएगी. सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर ऑल alpha belongs to field, for all alpha belongs to field u belongs to capital W, alpha dot u is a member of capital W. यानी कि आपका external composition भी verified हो गया. ये क्या है आपका external composition और ये क्या था internal composition. और जो बाकी की properties हैं वो बाकी की properties कैसी हैं, operation based property है. क्योंकि मैंने आपको last lecture में बताया था कि operation based property कैसी होती है. अगर V पर होल्ड कर रही है तो आपको W पर चेक करने की लीड नहीं है, चेक करने की लीड नहीं है. U plus V यानी कि ये आपका इंटरनल कंपोजिशन भी होगा और अल्फा डॉट U की एक्सटर्नल कंपोजिशन भी इसका डिफाइन होगा. यहाँ पर इसको आप मिलाकर लिख सकते हैं और फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F, U कॉमा V बिलोंग्स टू कैपिटल W, अल्फा यू प्लस बीटा वी शुड बी अ मेंबर ऑफ कैपिटल डब्ल्यू. तो अगर आप यहाँ पे अल्फा को जीरो चूज कर लेंगे तो बीटा डॉट बी यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी. अल्फा और बीटा को वन वन चूज कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी. तो इन दोनों को वेरीफाई करने से अच्छा है कि आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपका डब्ल्यू में ही आना चाहिए. तो या तो आप इसको यूज करो और इसकी वजह से उसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप. तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके वन स्टेप टेस्ट के. पहले तो जनरल एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस है ना ये आ कहाँ से रहे हैं. सिंपल आपको एक ही चीज पढ़नी है, उस चीज का नाम है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस. सेट ऑफ ऑल फंक्शन का अगर आपको वेक्टर स्पेस समझ में आ गया ना तो ऐसा कोई वेक्टर स्पेस बचेगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए. तो सिंपल पहले कुछ जनरल डिफाइन करते हैं उसके बाद डिफाइन करेंगे सेट ऑफ ऑल फंक्शन वाले को. अब आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. अगर आपने वी क्या लिया है Rn over R, यानी Rn में कैसे आते हैं, एंटपल्स आते हैं और एंट्रीज कहाँ से आती हैं, आपकी फील्ड से आती हैं. तो V is equal to Rn over R, ये डिफाइन कैसे होगा, A1, A2, dot 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 up to An, such that Ai is R coming from field. ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बना सकता है, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है. अब आपको एक W डिफाइन करता हूँ मैं. W मैंने डिफाइन करा है कैसे करके, फर्स्ट एंट्री को मैंने जीरो कर दिया, फर्स्ट एंट्री है जीरो, फिर ए टू ए थ्री ए एन और ऑल ए आई आर कमिंग फ्रॉम आर. एक ये डब्ल्यू वन बनाया. एक डब्ल्यू टू डिफाइन करता हूँ, ए वन ए टू अप टू ए एन सच दैट ए वन बाई ए टू इज लैम्डा, ए वन बाई ए टू इज लैम्डा.
लैम्डा कोई भी एक फिक्स वैल्यू है, एक डब्ल्यू थ्री डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू थ्री डिफाइन करते हैं हम लोग ए वन ए टू ए एन सच दैट ए वन इज सेम एज ए टू टाइम लैम्डा। तो इसमें और इसमें फ़र्क आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो कि क्या फर्क है। तो मेरे को इनमें से वेरीफाई करना है कि कौन सा इसका सब स्पेस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ये वेक्टर स्पेस है, इसको सब स्पेस बनाने के लिए क्या होता है कि इसके दो मेंबर उठाओ, उनका एडिशन इसमें आना चाहिए और आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि अल्फा टाइम इसका कोई एलिमेंट डब्ल्यू में ही आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, बाकी सारे सेम है। तो अगर आप इसके कोई भी दो एलिमेंट लोगे, यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, पी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये भी कैसे आएंगे, सम जीरो कॉमा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जीरो कॉमा यू वन यू टू अप टू यू एन, और वी कैसा आएगा, जीरो कॉमा वी वन वी टू अप टू वी एन। तो अगर आप यू प्लस बी देखोगे ना तो उसमें भी क्या आएगा, पहला एलिमेंट जीरो बन जाएगा क्योंकि कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा। फिर देखिए यू वन प्लस वी वन और लास्ट वाला आएगा यू एन प्लस वी एन, इस टाइप का मेंबर आएगा, यानी कि यू प्लस बी आपका बिलोंग कर जाएगा कैपिटल डब्ल्यू में। और अगर अल्फा डॉट यू देखोगे तो अल्फा कोई भी स्केलर है और फर्स्ट वाला कंपोनेंट जीरो है, तो फर्स्ट वाला तो जीरो ही रहने वाला है, बाकी सारे एलिमेंट अल्फा यू वन अल्फा यू टू टाइप के हो जाएंगे। तो ये भी आपका मेंबर किसका आएगा, डब्ल्यू का मेंबर आएगा, ये भी डब्ल्यू का मेंबर आएगा। तो बाय वन स्टेप टेस्ट डब्ल्यू वन इज अ सब ग्रुप, सॉरी डब्ल्यू वन इज अ सब स्पेस। अब डब्ल्यू टू पे आते हैं, डब्ल्यू टू में क्या डिफाइन है कि ए वन ए टू ए एन an a1 upon a2 is equal to lambda। अब इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, यहाँ पे ना एक कंडीशन और है कि a2 is non zero, ये लिखी नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि वो आपको ये लिख करके देगा, ये आपको खुद ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि अगर a2 हो गया जीरो तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए a2 शुड बी जीरो, अगर a2 शुड बी नॉन जीरो, अगर a2 नॉन जीरो हो गया तो पहली बात तो जीरो एलिमेंट कैसा होगा इसका वेक्टर का, और जो वेक्टर का जीरो एलिमेंट होगा वही उसके सबस्पेस का या सबसेट का भी जीरो एलिमेंट होगा। तो इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा, जीरो जीरो टू जीरो, ये इसका जीरो एलिमेंट होगा। तो क्या ये डब्ल्यू टू से बिलोंग करेगा, जीरो एलिमेंट डब्ल्यू टू में आएगा। अब डब्ल्यू टू में जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने ए टू कर दिया नॉन जीरो, यानी कि जो आपकी सेकेंड एंट्री है ना वो आपकी हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो हो रही है तो जीरो ही इसका मेंबर नहीं आ रहा। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वेक्टर स्पेस में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है वो हमेशा ब्लॉक कर दी है, क्योंकि वो अपने आप में अवेलेबल ग्रुप होता है। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे, दिस इंप्लाइज w2 इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ v, क्योंकि इसके अंदर जीरो एलिमेंट ही नहीं आना। बट इसको आप देखोगे ना, इसमें आप a1 a2 चाहे जिसको दोनों को जीरो ले सकते हो, तो इसमें आप सेम इसके दो एलिमेंट लीजिए, इस कंडीशन को लिखिए, फिर एडिशन चेक करिए और फिर उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो ये इसमें सबस्पेस बना रहा होगा, ये इसका सबस्पेस बना रहा होगा। W3 is a subspace of V। तो ये एक तरीका है जहाँ से आप subspace बना सकते हो, और जीरो वाला एलिमेंट आप जरूर देखो, चाहे कोई भी वेक्टर स्पेस शेयर कर रहे हो तो जीरो एलिमेंट तो हमेशा ही देख के चलो, क्योंकि जीरो से आपके इतने केस डिस्कार्ड हो जाएंगे ना जितने आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये तरीका था जिससे आप subspace वेरीफाई करोगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा जनरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि आप वेक्टर स्पेस को सेट ऑफ ऑल फंक्शन से कैसे जनरेट करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है वो वेक्टर स्पेस को समझने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थोड़ी और अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी